स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय वन मंत्री महोदय आदरणीय मोहम्मद अकबर साहब से अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन को पुष्पों से स्वागत करें। माननीय नगरीय प्रशासन एवं श्रम मंत्री आदरणीय शिव कुमार डहरिया साहब से अनुरोध डॉक्टर से अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुष्पों से स्वागत करें। आदरणीय देवेंद्र बहादुर सिंह माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ वन विकास निगम से अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। आदरणीय अमिताभ जैन साहब मुख्य सचिव महोदय से अनुरोध है। सुब्रतो साहू एसीएस फॉरेस्ट से अनुरोध है कि राकेश चतुर्वेदी साहब हॉप छत्तीसगढ़ से अनुरोध है कि स्वागत करें। महोदय ये वर्चुअल उद्घाटन होना है, वहाँ पे मौके पे हमारे अधिकारी मौजूद हैं सर, यहाँ आपको बटन दबा के आवासीय परिसर है, इसका 25-10-19 में आपके द्वारा ही किया गया था इसका शिलान्यास। इसमें सर 3 बेडरूम के 6 फ्लैट हैं सर, और 2 बेडरूम वाले 10 फ्लैट हैं, और 3 अपने ट्रांजिट होस्टिंग के कमरे हैं, एक कम्युनिटी हॉल है, और गार्डन वगैरह भी डेवलप किया गया है। ये छत्तीसगढ़ हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा इसका निर्माण 5,96,00,000 में किया गया।
सर चर्चा करना चाहेंगे वहाँ पे अधिकारी सर। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सर एक दूसरा कार्यक्रम भी रखा है हम लोगों ने, वो लाभांश की राशि देने का सर। सर मैं माननीय वन मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूँगा कि दो शब्द छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, मंत्रिमंडल के हमारे साथी भाई शिव डहरिया जी, हमारे वन विकास निगम के सम्मानित अध्यक्ष देवेंद्र बहादुर जी, प्रदीप शर्मा जी, आदरणीय अमिताभ जैन साहब, सुब्रत साहू जी, PCCF राकेश चतुर्वेदी साहब, PC पांडे जी, श्रीनिवास राव जी। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, इसका गठन 2001 में हुआ। इसके पहले 1976 में मध्य प्रदेश में इस निगम का निर्माण किया गया था। वर्तमान में पाना बरस, बारनवा, पारा, अंतागढ़, कोटा, सरगुजा, जगदलपुर, कोरबा, रायगढ़, कवर्धा, विशेष करके सागौन के प्लांटेशन का काम ही इस विभाग के पास है। और जो समय समय पर थिलिंग की जाती है, बीच में जो कटाई होती है, उसके माध्यम से जो आय प्राप्त होती है, उसी के माध्यम से वन विकास निगम संचालित है। पहले बांस का भी रोपण करते थे, लेकिन नुकसान के कारण बाद में इसको बंद कर दिया गया। तो फिलहाल अभी सागौन का प्लांटेशन होता है। 2,17,000 हेक्टेयर हमारे पास भूमि है। और विशेष करके जो क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, जो NTPC या भिलाई स्टील प्लांट, SCCL, NMDC, इनका जो क्षतिपूर्ति है, विशेष करके वृक्षारोपण का काम हमारा है और जो संचालित हुआ है, उसमें से अभी जो चेक का वितरण, जो लाभांश का आपको प्रदान किया गया है, और बाकी काम अभी अच्छा चल रहा है। बाकी आगे आपके जैसा मार्गदर्शन होगा, काम किया जाएगा। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, छत्तीसगढ़ शासन से अनुरोध है कि हम लोगों को आशीर्वचन के रूप में दो शब्द कहने का चाहते हैं। वन विकास निगम के आवासीय परिसर का लोकार्पण के अवसर पर उपस्थित आदरणीय विभागीय मंत्री मोहम्मद अकबर जी, मंत्री भाई श्री डहरिया जी, वन विकास निगम के अध्यक्ष भाई देवेंद्र बहादुर जी, आदरणीय CS साहब, ACS साहब, चतुर्वेदी जी, सभी अधिकारीगण उपस्थित, भाई प्रदीप शर्मा जी और वर्चुअली जुड़े सभी हमारे अधिकारी कर्मचारीगण, सभी को नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के आवास के लिए नवा रायपुर सेक्टर 26 में निर्मित आवासीय परिसर के लोकार्पण के अवसर पर वन विकास निगम को बधाई और शुभकामनाएँ। इस भवन के बन जाने से विभागीय अधिकारी कर्मचारियों को बेहतर आवासीय सुविधा उपलब्ध होगी। यह प्रसन्नता की बात है कि छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के गठन के 21 वर्ष बाद निगम द्वारा अपने स्वयं के आय से विभागीय अधिकारी कर्मचारियों के लिए 5,96,00,000 रुपये की लागत से 5 मंजिला भवन बनाया गया है। इस भवन में ट्रांजिट हॉस्टल, कम्युनिटी हॉल का भी निर्माण किया गया है, जिससे यहाँ पारिवारिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए भी लोगों को बाहर जाना नहीं पड़ेगा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। वन विकास निगम भी वनांचल के लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है। हमारी सरकार के विकास, विश्वास, सुरक्षा की नीतियों के चलते राज्य के लोगों के जीवन में एक नया बदलाव देखने को मिल रहा है। राज्य के सुदूर वनांचल सहित नक्सल प्रभावित इलाकों में तेजी से बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जा रही है और छत्तीसगढ़ सरकार वनवासियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्धता से काम कर रही है।
वन अधिकार अधिमान्यता पत्र हो, चाहे वृक्षारोपण का हो, चाहे लघु उपज खरीदी हो, तेंदुपत्ता खरीदी हो, सारे कार्यों को बहुत मुस्तैदी से किया है। 7 से बढ़ाकर 65 प्रकार के लघु उपज खरीदी, देश के 74% लघु उपज हमारे छत्तीसगढ़ में, और 4000 प्रति मानक बोरा के दर से तेंदुपत्ता जो देश में सर्वाधिक है खरीदी जाती है। इससे निश्चित रूप से वनांचल में रहने वाले लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। मैं इस अवसर पर वन विकास निगम के अध्यक्ष, उनके अधिकारी कर्मचारी सभी को बधाई और शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। अभी तक निगम हमेशा लाभ में रहा है सर, आगे भी रहेगा। इस कार्यक्रम में सर माननीय वनमंत्री जी, माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय वन विकास निगम, आदरणीय प्रदीप शर्मा जी उपस्थित, आदरणीय सीएस साहब, एसीएस फॉरेस्ट सुब्रत साहू साहब, राकेश चतुर्दी साहब, श्रीनिवास राव साहब, अरुण पांडे जी, बाबू आनंद बाबू जी और उपस्थित सभी अधिकारियों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को गरिमामय बनाया। धन्यवाद।